जादुई गाउन की दुनिया। विद्यांचल नामक गांव में प्रीति नाम की एक लड़की रहती थी। प्रीति का परिवार बहुत ही ज्यादा गरीब था। उसके पास दो वक्त का खाना खाने के लिए पैसे भी बड़ी मुश्किल से जुड़ पाते थे। प्रीति और उसके पापा दिनेश रोज जंगलों से लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में जाकर बेचा करते थे। इससे उन्हें जो पैसे मिलते उन्हें से उनके घर का गुजारा चलता था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। फिर एक दिन दिनेश की तबीयत खराब हो जाती है तो प्रीति खुद ही जंगल में लकड़ियां लेने चली जाती है। अरे आज तो जंगल में ज्यादा लकड़ियां है ही नहीं, चलो थोड़ा सा आगे चलकर देखती हूँ, क्या पता वहाँ पर लकड़ियाँ मिल जाए। प्रीति जंगल के और आगे जाती है मगर वहाँ भी उसे कुछ खास लकड़ियाँ नहीं मिलती। आज तो कहीं भी लकड़ियाँ नहीं मिली, क्या करूँ, लकड़ियाँ ढूंढते ढूंढते बहुत दूर आ चुकी हूँ। तभी प्रीति की नज़र जंगल में बने नदी पर जाती है। अरे वाह कितना सुंदर तालाब है, आज से पहले तो मैंने ये तालाब यहाँ कभी नहीं देखा। अब लेकिन जब मैं ये तालाब देख ही ली हूँ और यहाँ तक आ ही गई हूँ तो क्यों ना मैं इस तालाब में नहाकर ही घर जाऊँ। इतना सोचकर प्रीति उस तालाब में नहाने चली जाती है। नहाते नहाते वो तालाब के बीचों बीच चली जाती है और डूबने लगती है। प्रीति चिल्लाती है, बचाओ कोई मुझे बचाओ, कोई है मेरी मदद करो, मैं डूब रही हूँ। और देखते ही देखते प्रीति तालाब के अंदर डूब जाती है। अरे मेरी सांसें रुकती जा रही है, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। प्रीति सांस नहीं ले पा रही थी तभी प्रीति को पानी के अंदर एक बहुत तेज रोशनी दिखाई देती है और वो डूबते हुए उस रोशनी तक पहुँचती है। अरे तालाब के अंदर इतनी तेज रोशनी, वो भी पानी के अंदर, ये रोशनी आखिर आ कहाँ से रही है और ये क्या, मैं पानी के अंदर सांस कैसे ले पा रही हूँ, मैं तो पानी के अंदर हूँ फिर भी अच्छे से सांस ले पा रही हूँ, ये कैसा चमत्कार है। प्रीति उस तेज रोशनी की तरफ बढ़ने लगती है। थोड़ी दूर जाकर प्रीति को एक बहुत बड़ा और बहुत ही सुंदर महल दिखाई देता है। अरे बाप रे कितना बड़ा और इतना सुंदर महल, वो भी पानी में। प्रीति महल के अंदर चली जाती है और महल का नजारा देखकर चौंक जाती है। ये क्या इतना बड़ा महल, लेकिन एक भी इंसान नहीं, बस चारों तरफ गाउन ही गाउन, इतने सारे रंग बिरंगे और सुंदर सुंदर गाउन किसके होंगे। प्रीति महल के चारों तरफ घूमने लगती है तभी उस महल का राजा वहाँ आता है। प्रीति उसे देखकर डर जाती है। कौन हो आप, देखो मुझे कुछ मत करना, मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आ गई। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, मैं इस महल का राजा हूँ। अच्छा तो ये महल आपका है, लेकिन यहाँ आपके अलावा और कोई इंसान क्यों नहीं है और ये इतने सारे गाउन किसके हैं? इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, क्या तुम सुनना चाहोगी? हाँ क्यों नहीं। तो सुनो, ये बहुत समय पहले की बात है, मेरी 100 रानियाँ थी। एक दिन मैं जंगल में शिकार करने गया था। मैं छिपकर शेर का शिकार करने वाला ही था कि तभी पीछे से एक शेर ने मुझ पर हमला कर दिया। तभी अचानक एक बहुत ही सुंदर युवती आई और उस शेरों से डटकर सामना कर मेरी जान बचाई। उसने दोनों शेरों को मार गिराया। वो बहुत ही सुंदर युवती थी, मुझे वह लड़की पसंद आ गई और मैं महल में वापस लौटा तो मैंने अपनी सभी रानियों को यह बात बताई। देखो रानियों, आज मैं शिकार करने गया था तो मुझे जंगल में एक लड़की पसंद आ गई और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। आप सभी रानियों मेरी शादी की तैयारी में लग जाओ। सभी रानियां तैयारियों में लग जाती है लेकिन सबसे छोटी रानी सुभद्रा को राजा की शादी मंजूर नहीं थी। अब मैं राजा को और शादियां नहीं करने दूंगी, जैसे मेरे शादी के बाद इन सभी रानियों का प्यार कम हो गया वैसे ही शादी के बाद राजा मुझसे भी प्यार कम कर देंगे, लेकिन मैं करूं भी तो क्या, कैसे रोकूं इस शादी को। इसी सोच में सुभद्रा को पूरी रात नींद नहीं आई। तभी उसे एक जादूगरनी की याद आती है। सुबह होते ही छोटी रानी सुभद्रा जादूगरनी के पास जाती है। जादूगरनी जी मुझे आपकी मदद चाहिए, इसके बदले में आपको जितना भी सोना चांदी हीरे मोती रुपया पैसा जो चाहिए मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। इतना सब कुछ देने के लिए तैयार हो, आखिर काम क्या है रानी जी?
महाराज को एक और लड़की पसंद आ गई है और महाराज उनसे शादी करना चाहते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहती कि महाराज अब और शादियां करें। आप कुछ ऐसा कीजिए कि महाराज उस लड़की से शादी ही ना कर पाए। ठीक है छोटी महारानी, मैं आज रात को अपनी तंत्र विद्या की पूजा करती हूँ, फिर कल आपको बताती हूँ। आप कल आइए मेरे पास। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, अगर काम नहीं हुआ तो तुम्हें मैं इस राज्य से निकाल दूंगी। जी छोटी महारानी, आप निश्चिंत रहिए, ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा। मैं भी यही कामना करती हूँ, अब चलती हूँ, कल सुबह फिर आऊँगी। जादूगरनी रात को अपने तंत्र विद्या की पूजा में लग जाती है और सुबह छोटी रानी उसके पास फिर आती है। जादूगरनी, कहाँ हो तुम? जी छोटी महारानी, आप ये लीजिए तेल। इस तेल को उस लड़की के गाउन पर डाल देना जिससे राजा शादी करना चाहते हैं। जब वो इस गाउन को पहनेगी तो वो खुद ही एक गाउन में बदल जाएगी। छोटी रानी सुभद्रा जादूगरनी से वो तेल लेकर महल आ जाती है। जैसे ही शादी का दिन आता है, सभी रानियों के लिए सुंदर सुंदर गाउन आते हैं। गाउन में सबसे ऊपर नई लड़की का गाउन रखा होता है जिससे राजा की शादी होने वाली थी। छोटी रानी गाउन को देखकर कहती है, ये सबसे ऊपर वाला लाल रंग का गाउन उसी लड़की के लिए जाएगा, इसी पर मैं तेल गिरा देती हूँ। फिर छोटी रानी सुभद्रा उस लड़की के गाउन पर तेल गिरा देती है। उधर जब उस लड़की को गाउन पहुँचता है और वो गाउन पहनती है तो वो खुद ही एक गाउन बन जाती है। लेकिन उसके साथ साथ महल की सभी रानियां भी एक गाउन बन जाती है। ये सब देखकर राजा बोलता है, अरे ये सब क्या हो रहा है? ये सारी रानियां गाउन में कैसे बदल गई? ये सब क्या हो गया? राजा बहुत डर जाता है और वो जादूगरनी के पास जाता है। जादूगरनी, मेरे सभी रानियां पता नहीं कैसे गाउन में बदल गई। अब आप ही मेरी मदद करो ताकि मेरी रानियां पहले जैसे हो जाए। महाराज, ये सब आपकी छोटी रानी सुभद्रा की वजह से हुआ है, पर मेरी जादूगरनी बहन मंडोना ने धन के लालच में उसकी मदद की थी। फिर जादूगरनी की बहन रूपा ने महाराज को सब बातें बताई। ये सब सुनकर महाराज को बहुत गुस्सा आया और वो बोले, कहाँ है वह दुष्ट जादूगरनी? हम उसे नहीं छोड़ेंगे। महाराज, जब उसने सुना कि सभी रानियां गाउन बन गई है तो मेरी बहन मंडोना डर के मारे ये राज्य छोड़कर भाग गई है। अगर रानी तेल लेकर गई थी तो उस तेल का असर सब गाउन पर कैसे हो गया? महाराज, ये तो मुझे भी नहीं पता। रुको, मैं अभी अपने जादू से पता लगाकर आपको बताती हूँ। फिर जादूगरनी रूपा अपनी शक्तियों से पता लगाती है। छोटी रानी से एक गलती हुई है जिस वजह से आपकी सभी रानियां भी गाउन बन गई है। कैसी गलती? महाराज, सभी रानियों के गाउन एक साथ रखे थे। नई लड़की का गाउन सबसे ऊपर रखा था। छोटी रानी ने तेल उस गाउन पर डाला तो वो तेल गिरकर सभी गाउनों पर चला गया और उस तेल का असर सभी गाउनों पर भी हो गया, जिससे आपकी सभी रानियां भी गाउन बन गई। तो अब इसका क्या उपाय है? मेरी रानियां अब वापस अपने रूप में कैसे आएगी? अब तो कोई साफ, सच्चे और अच्छे ईमानदार इंसान ही आपकी रानियों को ठीक कर सकता है। लेकिन हाँ, उस इंसान को खुद आपके महल तक चलकर आना होगा। आप उसे खुद नहीं बुला सकते। लेकिन वह इंसान सभी रानियों को कैसे ठीक करेगा? वो इंसान आपके महल में आकर आपके दरबार के सामने जल कुंड में जो गुलाब के फूल लगे हैं, उस कुंड में से पानी लेकर उस गुलाब के फूल से सभी गाउनों पर छिड़केगा तो सभी रानियां अपने असली रूप में आ जाएगी और बाद में वो गुलाब का फूल एक जादुई गाउन बन जाएगी। फिर आप वो जादुई गाउन उसे इंसान को दे देना। राजा सोच में पड़ जाता है। उसे देखकर जादूगरनी कहती है, अब क्या सोच रहे हैं महाराज? मैं सोच रहा हूँ, ऐसे तो पता नहीं वह इंसान कब तक आएगा। महाराज, आप निश्चिंत रहिए, जिस दिन सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि आप पर रहेगी वो दिन उसी दिन आएगा। आखिर वह दिन कब आएगा? 100 साल बाद। क्या, 100 साल बाद? तब तक तो मैं बिल्कुल बूढ़ा हो जाऊंगा और शायद मर भी जाऊंगा। नहीं महाराज, आप गुलाब के कुंड का पानी पी लेना, उससे आपकी उम्र जितनी है उतनी में ही थम जाएगी और वक्त भी।
जिससे और बाकी राज्य के सभी लोग प्रतिमा बन जाएंगे। तब तक मैं इस महल में अकेला कैसे रहूंगा? इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती महाराज। इतनी रानियां होने के बावजूद भी आप शादी पर शादी करते जा रहे थे। आपने अपनी सभी रानियों का दिल दुखाया है, इसका पश्चाताप तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। बेटी, यही है इस गांव का राज, और मुझे लगता है कि तुम ही वह इंसान हो। तुम ही मेरी रानियों को असली रूप में ला सकती हो। इसके बदले मैं तुम्हें सोना, चांदी, हीरे, मोती, तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें सब ला कर दूंगा। मुझे इन सब की कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझसे आपके इतने सालों की परेशानी दूर होती है तो मेरे लिए इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। लेकिन मैं ये सब करूँगी कैसे? बेटी चलो, मैं तुम्हें जलकुंड दिखाता हूँ। राजा प्रीति को लेकर उस जलकुंड के पास जाता है। बेटी, अब इस गुलाब के फूल को तोड़कर इस कुंड से पानी लेकर सभी गांवों पर छिड़क दो। नहीं महाराज, अभी रात हो गई है और रात को पौधों को नहीं तोड़ते। आप सुबह होने दो, मैं सुबह होते ही फूल से जल छिड़क दूंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। इतना सालों तक इंतजार किया, एक रात और सही। फिर अगले दिन राजा और प्रीति उस जल कुंड के पास जाते हैं। फिर प्रीति उन जल कुंड से गुलाब का फूल लेकर सभी गांवों पर छिड़क देती है। देखते ही देखते सारे गांव रानियों में बदल जाते हैं और प्रीति के हाथ में गुलाब वाला फूल गांव में बदल जाता है। बेटी, यह जादुई गांव है। जादूगरनी ने कहा था कि यह फूल जादुई गांव बन जाएगा। बेटी, इस गांव को तुम रख लो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने इस गांव की दुनिया को फिर से इंसानों की दुनिया में बदल दिया। मैं तुम्हें बता नहीं सकता तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। बेटी, तुम यह फूल का बना गाउन अपने साथ अपने घर ले जाओ, यह तुम्हारी बहुत मदद करेगा, ऐसा उस जादूगरनी ने कहा था। लेकिन महाराज, अब मैं यहाँ से जाऊँगी कैसे? मुझे तो रास्ता भी नहीं पता। बेटी, अब तुम्हारे हाथ में है ना यह जादुई गाउन, इसे कहो, यह तो तुम्हें पल भर में घर पहुँचा देगा। सच में? हाँ सच में। जादुई गाउन, चलो मुझे तालाब के ऊपर पहुँचा दो। इतना बोलते ही पल भर में प्रीति तालाब के बाहर होती है। अरे वाह, ये तो सच में ही जादुई गाउन है। फिर प्रीति खुशी खुशी अपने घर पहुँचती है। घर पर प्रीति की माँ उसका इंतजार कर रही थी। प्रीति के हाथ में गाउन देखकर उसकी माँ गाउन के बारे में पूछती है। फिर प्रीति अपनी माँ को सब बताती है। उसकी माँ भी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और अपनी बेटी को शाबाशी देती है। अब प्रीति के हालात बहुत सुधर गए थे। प्रीति उस जादुई गाउन से जो भी मांगती वो सब पूरा हो जाता और उस गाउन की मदद से प्रीति जरूरतमंदों की मदद भी किया करती थी और खुशी खुशी रहने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।